की चाल पे डाल लेते हैं नज़र, जहां पर नए शिखर पर बाजार पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्लियरली 26,100 के बेहद करीब यहां कारोबार होता हुआ, और उसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो फिलहाल 100 से कम अंकों की, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं यहां पर फ्लैटिश और 54,200 के बेहद करीब कारोबार हो रहा है। मेटल पैक की बात करें तो यहाँ पर अब चमक थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनिंदा काउंटर जैसे कि वेदांता यहाँ पर 3% ऊपर है। सेल नालको भी हम देख रहे हैं कि फिलहाल के सत्र में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दबाव यहाँ पर कुछ रियल्टी काउंटर्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मैक्रोटेक यहाँ पर कुछ दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फार्मा शेयरों में भी आज के सत्र में गिरावट अभी तक दिखाई दे रही है। एल्केमी की बात करें, नाटकों की बात करें, 2 से 3% की कमजोरी यहाँ पर दर्ज दिखाई दे रही है। और क्लियरली यहाँ पर अभी भी 1534 डिक्लाइंस बने हुए हैं। एडवांसेस 1005 है, और कारोबार की शुरुआत से जैसे कि हम देख रहे हैं मेटल काउंटर्स में अब फिलहाल थोड़ी तेज़ी आती है, जहाँ पे टाटा स्टील भी हम देख रहे हैं लगभग 2% ऊपर है। हिंडाल्को लगभग 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। सिप्ला, ONGC, डीवी स्लैब, LNT, हीरो मोटो कुछ काउंटर्स जहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से 2.5% तक की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए इस बीच हम बाजार के कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मिड डे मार्केट का वक्त हो चुका है। मेरे साथ मेरी सहयोगी आशीषा हैं आज, जो मिड डे मार्केट की तमाम हाइलाइट्स बताएंगी। तो आशीषा, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आज के सत्र में अभी मेटल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आज का बाजार शुरू हुआ था तो हमने दबाव देखा था इस सेक्टर में और कुछ काउंटर्स में, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से जो 2-3 दिनों की चाल है मेटल्स की, वो एक बार फिर से उस राह पर जाती हुई और तेज़ी पकड़ती हुई। आशीषा, बिल्कुल, सोमवार को जो चाइना से पॉजिटिव डेटा आया था तब से ही मेटल शेयरों में चमक दिखी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी कमजोरी थी, लेकिन आज फिर एक बार मेटल शेयरों में चमक है। वेदांता की बात करें तो 4% की तेजी के साथ कारोबार। याद रखें, वेदांता में डिविडेंड की भी न्यूज़ आई है, जहाँ पर 1 अक्टूबर को चौथे इंटरीम डिविडेंड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐलान कर सकती है, जिसके चलते 4% की तेजी यहाँ पर दिखी है। सेल और नैल्को इन दोनों स्टॉक्स में भी करीब 3 से 2% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी शेयरों पर नजर डालेंगे। यहां पर काफी कमजोरी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी है आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। सो मैक्रोटेक डेवलपर्स 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी करीब 1.5% की गिरावट है, और प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 1.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। सबसे पहले ट्रेंड, याद रखें सिटी की एक काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उनका नज़रिया कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स पर काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते 3% की तेज़ी यहां पर दिखी। स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा मेटल सेक्टर से ही हिंडाल्को कल भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर था, आज भी तेज़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। और बजाज फिनसर्व, जब से ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग हुई है, इस स्टॉक में भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पर बजाज फिनसर्व भी कारोबार कर रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम बजर्स की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स जो वॉल्यूम्स के दम पर फोकस में है। पीबी फिनटेक, जहां पर एक न्यूज़ आई है जिसके चलते 5.5% की गिरावट, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहती है हॉस्पिटल्स के साथ। इसी के साथ मारुति सुजुकी, कुछ रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट से खबर आई है कि कर्नाटका गवर्नमेंट हाइब्रिड पॉलिसी को बढ़ावा दे सकती है, जिसके चलते 4.5% की तेज़ी यहां पर, और सेल में भी करीब 3% की तेज़ी दिखी है। तो हाँ, काफ़ी अच्छा एक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और दिन के निचले स्तर से देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी भी इंडेक्स लेवल पर दिखी है। राइट, आशीषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिड डे मार्केट एक्शन की पूरी हाइलाइट्स बताई। झटपट एक बाजार का चेक लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं जीओजी फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। गौरांग, बाजार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है और 26,100 के बेहद करीब फिलहाल, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, और मोटा मोटा ये एक लार्ज कैप लेड मार्केट फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उस वक्त का ट्रेंड आ चुका है जो हम जता रहे थे कि अब पार्टिसिपेशन लार्ज कैप्स की ज़्यादा होगी और उसी के दम पर हम बाजार को भी जाता हुआ देखेंगे, और FIIs फ्लो जो कि काफ़ी ऑब्वियस है कि लार्ज कैप्स की तरफ ही जाते हैं ज़्यादा, मिड कैप स्मॉल कैप में अब थोड़ा सा थकान और वैल्यूएशन को लेकर जो कंसर्न्स थे वो अब छटते हुए दिखाई देंगे कमजोरी की वजह से? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज एक नया सर्वोच्च शिखर बना 26,112 के आसपास, तो 26,100 शिखर की शुभकामनाएं
इटिनाव स्वदेश के दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को हमारे तरफ से। ये जो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली छोटे और मझोले सूचकांक में और शेयर्स में हम देख रहे हैं कविता, उसका कारण ये है कि ये जो शेयर्स है छोटे और मझोले सूचकांक के, वो थोड़ा बहुत समय से आगे दौड़ चुके थे मूल्यांकन की अगर आप बात करें तो। दूसरी तरफ अगर आप नतीजों की भी तुलना करते हैं मूल्यांकन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगा हमेशा रहा है ब्रॉडर मार्केट, जिससे हम छोटे मझोले शेयर्स और सूचकांक कहते हैं। और कहीं ना कहीं एक वास्तविकता ये भी है जिससे हमें स्वीकारना चाहिए कि दिग्गजों में थोड़ा बहुत पीछे रह गए थे ये जहां तक मूल्यांकन होने। तो अब छोटी मझोली में बिकवाली हो रही है, वहीं पर एक सेक्टोरियल रोटेशन आप कह सकते हैं या इंडेक्स रोटेशन आप कह सकते हैं, छोटे मझोले में से दिग्गज में लोग जा रहे हैं और बहुत जल्द अगले महीने 10 तारीख के पश्चात दूसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तब छवि थोड़ी बहुत और स्पष्ट हो जाएगी कि नतीजे क्या आ रहे हैं और मूल्यांकन क्या है छोटे मझोले सूचकांक के। तो मुझे जो शेयर्स है वो ज्यादा महंगे हो चुके हैं, कुछ ऐसे भी है जहां पर नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और मूल्यांकन को लेकर के हमें एक स्थिरता दिखाई दे रही है। की है गौरांग शाह हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग बताइएगा, बातचीत सुनी आपने, कोई क्या राय बनती है आपकी स्टॉक पर? तो कविता, पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना, जब इसका आईपीओ करीबन 1 साल पहले ठीक सितंबर 2023 में इसका आईपीओ आया था और 164 पे शेयर्स दिए गए थे जैगल प्रीपेड के। ये कंपनी B2B और B2C सॉल्यूशंस और सर्विस प्रोवाइड उपलब्ध कराती है, फिनटेक प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसे हम सैस कहते हैं उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और अभी जिस तरीके से कंपनी के बारे में, कामकाज के बारे में और भविष्य के बारे में, विस्तार योजनाओं के बारे में मैनेजमेंट ने टिप्पणी थी, तो आप मौजूदा अगर स्तर देखें तो करीबन 4 गुना के आसपास रिटर्न पिछले 1 साल में इस कंपनी ने दे चुका है। और जिस प्रकार से जिस क्षेत्र में ये कामकाज करती है, जो प्लेटफॉर्म्स और सेवाएं उपलब्ध, जो सोल्यूशन उपलब्ध कराती है कविता, हमें लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का निवेश है तो यहाँ पर बने रहना चाहिए, बशर्ते कि आपके पास समय की कोई पाबंदी ना हो। और अगर आपको आईपीओ में मिला है तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे क्योंकि करीबन 4 गुना आपका रिटर्न हो चुका है। चलिए, आपने अपनी राय रखी और मेरे ख्याल से डिस्क्लोजर भी आपने दे ही दिया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग, आपका समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए आज।